नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमर राजपूत। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 21 तारीख से शुरू होने वाला है। विधानसभा सत्र की अवधि 3 दिन रखी गई है और इसी 3 दिन को कांग्रेस कह रही है कि ये नाकाफी है, 3 दिन काफी कम है, विधानसभा सत्र को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आज गांधी मैदान के बाहर विरोध कर रहे हैं। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष के प्रतिनिधि भी आए हैं इनसे बात करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द जो विधानसभा सत्र है उसकी अवधि बढ़ाई जाए और इनका कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। विधानसभा सत्र को कम अवधि रखना एक लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या की जा रही है। आप देख सकते हैं इन्होंने सामने एक पोस्टर लगा रखा है, बैनर लगा रखा है, उसमें लिखा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा में सत्रों की स्थिति 2017 में 3 सत्र कुल 17 दिवस के लिए हुए थे। 2019 का 3 सत्र कुल 22 दिवस को हुआ था, 22 तारीख को हुआ था। 2018 3 सत्र कुल 18 दिवस, 2022 2 सत्र कुल 6 दिवस। तो इसको लेकर इन लोगों ने मांग की है कि कम से कम विधानसभा सत्र को बढ़ाया जाए। प्रस्तावित सत्र इस बार का है 21 से 23 दिसंबर तक है, लेकिन मात्र 3 दिन के लिए। इसी को लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, इनकी मांग है कि विधानसभा सत्र को बढ़ाया जाए। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमारी ये मांगे हैं, जब जब जनता के पैसों से विधानसभा बनाया गया है और विधानसभा में जब तक कोई जनता के हितों की बात नहीं की जाएगी तब तक कोई फायदा नहीं है। और जब ये नियम है कि कम से कम 60 दिन का सत्र चलना चाहिए और मुश्किल से 10-12 दिन चला है, तो हमारी ये मांग है कि सत्र चलाया जाए जिसमें जनता की समस्याओं का, जब तक सदन में नहीं आएगा समस्याओं का, तब तक निवारण नहीं हो सकता। तो आपकी मांग है कम से कम 3 दिन से 7-8 दिन की सत्र की किया जाए। अभी सिर्फ 6 से 7 दिन तक चल रहा है, मिनिमम 60 दिन का सत्र चलना चाहिए। हमारी मांग है कि कम से कम 7 दिन का सत्र चलना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से मांग है कि मिनिमम 60 दिन का सत्र चलना चाहिए, लेकिन अभी तक 7-8 दिन का सत्र चला है। ये मांगी है कांग्रेस कार्यकर्ता, यही मांग है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। और इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आज गांधी मैदान के बाद विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के प्रतिनिधि आ चुके हैं यहाँ पे और वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। सामने गरिमा मेहरा दसौनी है जो मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस की। देखिए किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि विधानसभा सत्र कम से कम 60 दिन चलनी चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। तो ये हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, ये थे कांग्रेस कार्यकर्ता जिनकी मांग है कि विधानसभा सत्र को कम से कम जो 7 दिन के लिए चल रहा है उत्तराखंड में, उसको कम से कम 60 दिन का किया जाए। तो देखते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग क्या मानी जाती है, क्या सरकार प्रशासन इनकी मांग मानती है और क्या विधानसभा सत्र को आगे और बढ़ाया जाएगा। कैमरा पर्सन रिक्यू के साथ अमन राजपूत, समय साक्ष्य, देहरादून।